हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने अखबार देखा और अखबार में था कि इंडियन क्रिकेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, तो रिगार्डिंग दैट देर वर सम यू नो रिमार्क्स, रेसिस्ट रिमार्क्स, एंड इट सेड कि ब्राउन डॉग को बैक। प्रॉब्ली ये चीज़ हम फेस कर दें कई बार अपनी लाइफ के अंदर, और मेरे ख्याल से क्या रेस है, क्या इज देयर एनी रेस, क्या इस दुनिया में है कोई रेस जिससे हम यू नो एक दूसरे के बीच में यू नो कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव हम रखें या हो सकता हो। यस, देयर इज अ रेस। ठीक है, द नॉलेज विच वी हैव दैट इज द रेस। वो एक रेस है, वो एक यू नो भेदभाव का यू नो वो जरिया या यू नो कारण हो सकता है, बिकॉज एग्ज़ाम में जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वही सक्सेसफुल होगा। तो और बाकी लोग जिन जो मतलब यू नो जिनके पास नॉलेज थोड़ी कम होती है वो लोग डरते हैं आपसे। ठीक है ना, तो जब भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप फेस करें, दैट इज़ ओनली बिकॉज कि आप जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप ज़्यादा केपेबल हैं, आपके पास कुछ ऐसे हुनर, कुछ ऐसे यू नो टैलेंट हैं जो शायद उन लोगों के पास नहीं है। सो दिस इज़ द वे दे कैन यू नो वो आपको यू नो थोड़ा सा यू नो मेंटली अनस्टेबल कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको यू नो इरिटेट कर सकते हैं कि ये क्या है, मतलब मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ, मैं तो क्रिकेट खेलने आया था और ये क्या है मतलब। दे कैन ओनली डू दैट ओनली फ्रॉम आउटसाइड द ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड के बाहर बैठ करके वो ये कर सकते हैं। अगर उनमें क्षमता होती तो वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आकर के, मैदान के अंदर आकर के ज़्यादा बेटर परफॉर्म करके यू नो दे वुड हैव यू नो प्रूव्ड वट एवर पॉइंट दे वॉन्टेड टू प्रूव या दे वॉन्ट टू प्रूव। ओके, तो never ever you know be distracted, be you know halka sa be disturbed about anything like that. Theek hai, it is only because you are more talented and that's why those people want to distract you regarding you know something or the other, you know. Theek hai, chaliye, theek hai, to never get distracted, stay healthy, stay fine, keep studying, take care, bye bye.